हाँ, जिस तरह आप लोगों को पता है वीकेंड शुरू हो गए हैं और वीकेंड यूं शुरू होता है और यूं ही खत्म होता है, लेकिन हम आपके वीकेंड को इंटरेस्टिंग बनाते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारे प्यारे प्यारे गेस्ट और उनकी प्यारी प्यारी बातों के साथ। सो यस, आज जो जोड़ी हमारे साथ है वो भी एक बहुत ही प्यारी जोड़ी है, बड़ी स्वीट सी जोड़ी है और बड़ी इंतजार कराने वाली जोड़ी है। जी हाँ, हमारे पास है, हेलो मदीहा, क्या हाल है तुम्हारी? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट्स अप? I'm doing good. You're doing good. Would you like to give एक introduction? एक दूसरे का प्यार से दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आती है ना जोड़ी, वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, हाँ वो एक जोड़ी होते हैं ना, मतलब साथ बैठे हुए होते हैं, मतलब हम ये थोड़ी बोल रहे दिमाग में बच्चे बना लो जी चले जाओ रुक सकती बाबुल की दुआएं लेते जाए, नहीं 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 बकरों की भी होती है। हाँ बकरों की भी होती है, बकरों की, पर यहाँ कुर्बानी का अब कोई टाइम नहीं, कुर्बानी हो गए। हाँ तुम किसके, तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? किसकी? दिल की। और कितनी कुर्बानी तुम दे सकते हो? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, लॉक है, लॉक है, ताला लगा हुआ है, बिल्कुल चीज है। आप बताए व्हाट द इंट्रोडक्शन तो तुमने किया नहीं, तुम इसका इंट्रोडक्शन करो प्यार से। प्यार से वो तो नहीं आता, एनीवेज प्यार नहीं आता, इतनी खूबसूरत हसीना तुम्हारे बराबर है, प्यार नहीं आता, ये दिल दिल क्या चल नहीं रहा? इतना झूठ मत बोलें, देखें हाय अल्लाह, ये देखो ये होता है सिंपल लफ्जों में खुला सांड वाली बातें करता है। नहीं नहीं मदीहा, आप इनका तारुफ कर दें पहले, ये मेरा तारुफ करेंगे बहुत अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे साथ आज मौजूद है बहुत सी खूबसूरत, बहुत सी नाजुक सी, बहुत ही चुलबुली सी आलू, आई एम डॉक्टर मदीहा। ये आलू, एक मिनट, तुम डॉक्टर हो ना, चेक करो इसकी नफ्स नहीं, इस तरह चल रही है, इनको हाथ तक आके अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती ना। ये एक मिनट, ये दो 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 एपिसोड से ये हो रहा है कि हमेशा यहाँ जो बंदे आते हैं ना वो कुत्ता बिल्ली हो रहते हैं, लेकिन दो एपिसोड में ये हुआ है कि प्यार करने वाले लोग आए, मतलब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। प्यार का कोई है ही नहीं, मुझे यहाँ लगता है यहाँ वापस वो जो हमारी सीट का जो कीड़ा है ना वो कुत्ता बिल्ली वाले पर चला गया, रिवर्स मोड पर चला गया। कोशिश की थी प्यार भरी नजरों से देख के बात करने की, फिर क्या हुआ, बट ये हुआ कि इधर उधर से निकल गया। तुमने ताला कहीं गलत जगह पर लगा लिया, ये तो हो ही नहीं सही जगह लगा नहीं 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 हो रहा। वेल 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 गाइस, हम शो शुरू करते हैं एंड इन्होंने तो तारुफ एक दूसरे के कर लिया और इनसे हम गपशप भी करेंगे, पूछे भी डॉक्टर साहब कितने मरीज देखते हैं आजकल, मैं भी मरीज बनी हुई हूँ, दिल का नहीं दिमाग का भी नहीं यार, ओरिजिनली जो एक नौजिया चल रहा है, फीवर चल रहा है, उसकी बॉडी ठीक ठाक मरीज हो गई हूँ और थोड़ा बहुत दिल का भी चल रहा है मेरा। आई हाय, ऐसा हुआ है कि मुझे तो आजकल पता है क्या लगता है, चार लोग रूम में होंगे और चारों ही फोन से बात कर रहे होंगे, ये ऐसे ही होता है और ज्यादातर लड़कियां हमेशा यही करती हैं, ज्यादातर लड़कियां अपने फोन में लगी होती हैं और वो बेचारे इतना हैंडसम, इतने प्यारे अहसन खान हमारे हैं, अहसन खान हाँ, लड़की भी ज्यादा प्यारी है। क्रश किस पर है, मतलब अगर तुम एक औरत होती तो तुम प्यार किस से करती? फवाद से तुम प्यार करती, किस तरह करती? मैं उनसे उसी तरह प्यार ताले करती, खोल कर करती या ताले बंद करके करती, किस तरह करती? बंद करके करती ताकि उन्हें भी पसंद आए। हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और फवाद खान भाग जाए होना चाहिए, पर नहीं। आप बताओ अगर आप एक मर्द होती तो प्यार किससे करती? मथीरा से, अल्लाह माफ करे, ये मथीरा वाला प्यार, नहीं 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 बताओ, नहीं सीरियसली अगर क्या तुम एक वो कौन सा वो कौन बंदा था, कौन वो जो एक एक्ट्रेस का बाप है यार जो आओ आओ बोलता रहता है, श्रद्धा का जो शक्ति कपूर, राइट? हाँ शक्ति कपूर वाला, इस तरह होती कि हर जगह आओ करती होती या फिर आप एक जगह आओ करके बैठ, एक ही जगह आओ करती, एक जगह हाँ वो कहाँ होती? माहिरा खान, मायरा खान पर आउ करती मायरा ये आप पर आउ करती है, मतलब अगर मायरा आप सामने आओ मदीहा के अंदर भी ना एक मैड मैन जागता है, मतलब वो जाग सकता है। हाँ पर मदीहा तुम डॉक्टर हो जी, कैसे हुआ डॉक्टर? हाँ डॉक्टर होना कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं चाहती थी मैं एक एक्ट्रेस बनूं, तो मैं डॉक्टर भी बन गई हूँ और अब एक्ट्रेस बनने की कोशिश में हूँ। Well, that's good, हो जाता है। I believe एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बच्ची ने किया, आप जब भी इंडस्ट्री के बारे में सोचो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना प्रॉपर ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करें, मतलब जो आपका प्रॉपर एक एजुकेशनल या कोई भी जो एक चीज होती है जो आपको एक इनकम दे, वो आप स्ट्रॉन्ग करें. फिर शौक या आप इस चीज पर करो, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता. हम लोगों को लगता है हम सोते उठते और गड्डियां हमारे तकियों के नीचे होती है. ऐसा कुछ नहीं होता जनाब, मतलब ये होती है हवाई रोजी. सो यस, पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त करो, रहने का बंदोबस्त करो, जिम्मेदारियां उठाओ, और फिर बाद में फिर सोचो शौक में क्या क्या करना है. तुम क्या कर रहे हो शौकी मिजाज बंदे? मैं अभी कंपनी मैंने अभी स्टार्ट किया है अपने फ्रेंड के साथ, वायलर ट्राइब के नाम से, और वो पीआर कंपनी है. उसमें जितने भी टिकटॉकर्स होते हैं और इंस्टाग्रामर्स, उनके लिए जो कैंपेन्स आती हैं, वो हैंडल करते हैं. प्यार करना सिखाता है. एग्जैक्टली, प्यार प्यार करना सिखाता है. आपकी आपकी मुझसे बात कैसे हुई थी ये भी बताएं. कैसे इन लोग की मतलब अंदरूनी गुप 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 चल रही है, बताएं. मेरी इनसे बात ऐसे हुई थी कि मैंने इनको कैंपेन आई थी उसमें मांगी गई थी डॉक्टर मदिया खान, तो मुझे मजबूरन मैसेज करना पड़ा कि कैंपेन है ऐसे ये आपने करेंगे. तो कैंपेन की हद तक मैसेज करना नहीं चाहिए था. हाँ, फिर ये मेरे पे फिदा हो गई. क्यों? ये तो आगे ये वो वाले बंदे तो नहीं है जो रात के 2 बजे करके बोलते हाउ आर यू डियर? नहीं, व्हाट यू डूइंग? डियर वो वाला भी नहीं, वो जो कूदने वाला डियर होता है ना, वो जो कुदकता रहता है, वो वाला DEER. मेरा ऐसा है कि मैं बाकी लड़कों जैसे नहीं, जो चीज जो इंसान पसंद है मैं मुंह पे जाके कह दूंगा. हाँ, इन पे एक दफा हुआ था मैसेज करते हुए, मतलब एक दफा स्लिप हो गया था, और फिर बंदा बोलता है यार मैंने तो कुछ नहीं किया. सब कुछ कहने के बाद यही बेस्ट डायलॉग होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. ये मुझे क्यों लगा कि मेनू नाचना है, मेनू नाचना. ये वो बेचारी आईमा है ना, वो वाला जो एक्सप्रेशन इसके जो फेमस हुआ था ना, मुझे लग रहा है अभी इस मुंह पर ये वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए. वो बड़ी घबराई भी थी. कभी ऐसा हुआ है क्या आपको कोई मिला हो, ऐसे मिला हो जैसे यार पुराने याराना हो, लेकिन आप उनका नाम भी नहीं जानते हो? ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे होता है, क्योंकि अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इज्जत दी हुई है सोशल मीडिया पे. अब वो आके पॉइंट्स बनाने के लिए कहते हैं, ओए याद है ऐसे ना, वो था कह के आगे फॉलो बैक. रियली? बस इस पीछे पड़ो, मेरे पीछे पड़ो, कुछ नहीं कर सकते, बस पीछे ही पड़ो. आधी दुनिया एक दूसरे के पीछे पड़ना चाहती है. लेकिन मैं इसमें एक बात बताऊंगा. हाँ. जो गाना था अली जफर का आइटम नंबर, मैंने फर्स्ट टिकटॉक बनाई थी इस पे जो कि मेरी वायरल हुई थी. Okay. और जियो पे हर जगह चली थी. उसको तुमने मेरे लिए फिर दवाई दी वायरल होने के बाद? दवाई दी? बिल्कुल दवाई दी. यार के पास दवाइयां होती है यार, डॉक्टर साहब है यार. नहीं, तब मैंने क्यों पकड़ती है, इनके पास नहीं आते तब मैं बहुत ऊपर था. ये कहाँ ऊपर? तो अब आप नीचे आ गए. आपका मतलब आपके लिए थे आप? आपके लिए तो मैं जमीन पे भी चल. किसके नीचे आ गए? ये एक डायलॉग होना चाहिए, किसके नीचे आ गए? इधर एक दूसरे में, और ये ला प्यार तो देखो, इधर गुब्बारे कोई लगा दो प्लीज. गुब्बारे लगा दो, बहुत प्यार हो रहा है. और इससे उफ़ल्ला, दिल में तो इसके लड्डू है ना, भटाक भटाक करके फट रहे हैं. बट एनीवेज, इन दोनों के तो लड्डू फटने दो, अच्छी बात है. दिल गार्डन गार्डन सबका होना चाहिए. क्या बात है. अगर ये अंग्रेजी नहीं आती तो हम यकीन नहीं करते. अच्छा, ये जो एक्टिविटी इन्होंने की है पानी पीने वाले, ये ना कि किसी टूर में जाते हुए, तो फिर क्या मजा है? वाकई इस चीज ऐसी एक्टिविटीज का मजा आता है. वैसे मजा आता है. Exactly. एक एडवेंचर really? होता है. एक आप माउंटेन्स के ऊपर जाते, पहाड़ों पर चढ़ना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल. आपको पहाड़ पसंद है? बिल्कुल. ओके, इनको पहाड़ पसंद है. लेकिन मैं तो पहाड़ के बारे में बात कर रही थी. फजूल में लाल हो गए. नहीं, मैं लाल नहीं हूँ. आप लाल नहीं हो? लाल इसलिए हूँ, साथ बैठी है ना. तो ये बहुत शियाणा है. मैं आपको बताऊँ क्यों शियाणा है? Let me tell you, this is what you call a dead शियाणा. सवाल भी खुद, जवाब भी खुद. लड़की के भी सवाल भी खुद, लड़की के भी जवाब भी खुद. पहले नफरत दिखाए, अब प्यार दिखा रहा है. फुल स्क्रीन टाइम ले रहा है. असल में बात है, उनके दिल की बातें मैं जानता हूँ. दिल की बात? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की अभी तक. अभी तक आपका ट्रायल चल रहा है. गुपचुप गुपचुप कर रहे हो, ये तो मैंने भी बताओ. क्या अंदर खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी चल रही है? खिचड़ी पक रही है? हो क्या रहा है? ट्राई कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा, ये ऐसी बात क्यों होती है? वैसे मैं इनसे भी पूछूंगा और आपसे भी, कि लड़कियों को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करे लड़का, तो एटीट्यूड में आ जाती है, ईगो में आ जाती है. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बार होता है. अभी देख लें. ऐसे कुछ नहीं. मैं तो सामने, सबके सामने इनकी तारीफ कर रहा हूँ. फौरन ही ऐसे बाल घुमा के ऐसे एटीट्यूड में आ गई. दिखा भी रहे ना, दिखाना पड़ेगा ना. क्या देखो, फ्री की जब लड़की इंटरेस्टेड होती है तो वो बड़ी नखरे दिखाती है.
जब लड़की इंटरेस्टेड नहीं होगी ना वो बोलेगी वो थैंक यू करके निकल जाएगी। पॉइंट की बात आपने ये किया कि लड़की इंटरेस्टेड होती है तो वो नखरे दिखाती है, नखरे दिखा रही है। जब हंसती है तभी तो फंसती है वरना हंसती नहीं है। पर एनीवेज तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए, लाइक तुमने कब सोचा मुझे एक्ट्रेस बनना है, ये आइडिया किसने दिया? मुझे शुरू से शौक था, पहले मैंने अपना ये डॉक्टरी वाली चीज कंप्लीट की 5 साल और अभी मैं हाउस ऑफिसर हूँ जियाउद्दीन में। नाइस। और अब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है अपने शौक को पूरा करने का। एंड हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24। यू 24? छोटी सी नन्ही सी परी है, मतलब इतना कुछ कर रही है। अपने घर को कब चली है बताओ, कब जाना है अपने घर? ये बड़ा एक ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं। चुप कर, बताओ अपने घर कब जाना है? ये थोड़ा सा प्राइवेट, मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ अपने सारे फैंस को, आवाम को। ओ भाई मुझे ये बताओ अपने घर, मैं आपको बताती हूँ मैं अपने घर कब जाऊंगी शो के फौरन बाद। ओह माय गॉड, ओह सॉरी, ये कौन सा घर जा रही है, ये कौन सा घर जा रही है, सरप्राइज देने जा रही हूँ, ये कौन सा घर था भाई? और वो देखो वो भी दूसरा देश, यहाँ हमारी आवाम में एक मसला है, बात सुनते समझते नहीं है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि मेरा जो दूसरा वाला घर है निकाह हो गई। हाँ नहीं, आई मीन यार ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताओ क्यों हो रहा है, कोई इधर एक एक प्लीज एक लाइट डिटेक्टर रख दो। धोखा दे रही है, लाइट डिटेक्टर रख दो, मेरे हरी बजेगी तो ये सही बोल रही है। मजाक था, धोखा दे रही है मुझे, मजाक था यार, सबके सामने धोखा दे रही है, मजाक था। मेरा निकाह नहीं हुआ हुआ, क्या मतलब निकाह नहीं हुआ, आई एम स्टिल सिंगल, एक्सक्यूज मी प्लीज रिलैक्स। क्यों फिर आपने ऐसे कहा? मैंने कुछ नहीं कहा इनको, रिलैक्स, क्या हुआ? अच्छा प्रैंक कर रहा था, इजी रहो, क्या हो गया? मैंने क्या कहा, इजी रहो। यार ये है ना सेकी बकरी बनी हुई है बेचारे। नहीं 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 मदी, यार यू लुकिंग प्रीटी बाय द वे, थैंक यू सो मच। बड़ा टाइम लगाओगे तैयार होने में, सॉरी मैंने मुझे नहीं नहीं मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आज मैं थोड़ी बहुत, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मुझे क्या पता कि ये डॉक्टर मदी यार। हाँ हम उस शो में मिले थे ना, बिल्कुल। हम कैसा, मतलब गेम शो का कैसा लगा? गेम शो कैसा लगा? गेम शो में आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं, मेरे साथ दानिश के साथ बहुत सारे दानिश पर फ्लैट हुई, 99% गर्ल्स बाय ना, नहीं साबुन लगा कर खुद ही फिसल जाती है। नहीं नहीं एक्चुअली दानिश का मुझे पता था कि वो कमिटेड है, इसलिए फ्लैट। तो क्या वो दूर से भी प्यार होता है? दूर से भी चाहते हैं लोग? नहीं नहीं एक ही को चाहते हैं और उसी को चाहते हैं एक ही। यार मुझे ये बताओ, रिवाइंड करके बताओ, निकाह हो गई है फिर? निकाह नहीं हुई फिर? अब मैं सिंगल हूँ, एक ही तो चाहते हैं फिर? सरप्राइज होगा फिर? यार ये प्रॉपर हमारी इंडस्ट्री में इसने पाव रखा है, प्रॉपर एक्ट्रेस वाले डायलॉग बोलने लगी है। नहीं 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 नहीं, पल में इधर पल में उधर, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? इस सिचुएशन पर पता है कौन सा गाना चलना चाहिए? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं आई एम सिंगल, हम किसी को नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, वो किसी ने नहीं सुना, मैं कमिटेड हूँ। हाँ, तो अच्छी बात ये अल्लाह माफ करे, कोई मैंने भरो यार मुझे क्या मेरा नौजिया ये सुनाई दे रहा, आई एम सिंगल आई एम कमिटेड, मैंने इनके लिए कहा, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो अपनी स्टेटमेंट बदलती रहती हैं और फिर एंड में कहा जाता है कि लड़के बेवफा होते हैं। लड़के एक मिनट, अब मैं तुम पर आऊंगी, ये तो मैं एक खातून से बात कर रहे हो, कोई नहीं, मैं वो ऐसे अपने ध्यान में बात कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, तो तुम बताओ कितनी दफा मोहब्बत हुई है? मुझे रोज होती है, रोज लेकिन होती अपने है। आप से एक लड़की पे रहने वाली, एक लड़की जो पसंद आ गई, मतलब आप कमिटेड हैं? हाँ जी मैं कमिटेड हूँ। अब ये लोग आपस में कमिट ना कमिट वाले गेम खेल रहे हैं, मैंने की पता कौन कितना कमिटेड है यार, मैंने की पता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये घर किसके जाएगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मेरे घर इतने हैं। नहीं नहीं मेरा एक ही घर है। आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या? मेरा कुछ नहीं, आपने बोला कि मैं आप कैसे लग, प्यारे लग रहे हैं, आप कैसे टपके यहाँ, क्यों टपके इधर? नहीं इधर नहीं, इस इंडस्ट्री में आइडिया किसने दिया कि यार तू हीरो मटेरियल है? मुझे ऐसा था कि मुझे शुरू से सेम शौक था एक्टिंग का और डब स्मैश। कौन सा कीड़ा है जिसके नाम है शौक, कहाँ कहाँ काटता है, सबको काटता है। एक्चुअली मैं एक बात है जो मैं बताता होता हूँ अक्सर ना कि आप एक नहीं बहुत बातें बता रहे हैं, चलो बताएं। इन्होंने अपना नाम टिकटॉक पे क्या रखा हुआ है? क्या रखा? एमजे एहसन। मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन हूँ।
बहुत बड़ा फैन हूँ मैं माइकल जैक्सन। असल में ऐसे था कि मैंने स्टार्ट में एम ई रखा एम जे एसन, जब मैं थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो वो उसी के नाम से फेमस हो गया, तो इसलिए मैंने फिर उसी को। तो ऐसा क्या कर सकते हो माइकल की तरह? मैं उसकी तरह तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एज अ फैन उसकी तरह मूनवॉक कर सकता हूँ। यू कैन मूनवॉक? यस आई कैन। ओह वाओ, कैसे हो? बस उसी की वीडियोस देख देख के सीखी हैं। मतलब प्रॉपर वाला या हल्का हल्का? प्रॉपर वाला। yes. मतलब आप चांद पर चल सकते हो? मैं खुद चांद हूँ। चांद पर भी दाग होते हैं मेरे दोस्त, बहुत दाग होते हैं चांद पर। कोई ऐसा है नहीं जिसमें दाग ना हो। सही बात है, लेकिन चांद बहुत दूर भी होता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था दिल पे तारा। और अकेला ही होता है बेचारा, मजबूर होता है, और जब रोशनी आती है तो चला जाता है, अंधेरे में ही दिखता है। दिल की बात, ये बहुत डीप बात है। कितनी डीप है? कितना खड्डा खोदे? बहुत डीप है। किधर किधर जाएं? ये इतने क्यूट कपल है, मुझे लगी कपल ऐसे लगता है कि ये दोनों दोस्त ही है। Exactly. मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ बाना राइट नाउ देयर लाइक जिगरी दोस्त। अच्छा है ना, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मतलब बड़ी आई लव देम, देयर वेरी नाइस, अल्लाह इनको नजरों से बचाए। बड़ी क्यूट सी फैमिली होती है माशाल्लाह। हमें बोलना, मैं हर बंदे को ये बोलती हूँ, जब भी आप किसी की बेबी की पिक्चर देखें, किसी मैरिड कपल को देखें, कोशिश करो माशाल्लाह बोलो। पता नहीं होता ना, दिल से कहां सी आह निकल गई, नजर जो होती है ना मरवा देती है। चलो अब आप इसको देखकर माशाल्लाह बोलो। लाहौल, ओ सॉरी लाहौल, ये गायब हो जाएगी। लाहौल लाकर तो नहीं बोलो, गायब हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? माशाल्लाह। चलो मैं तुम दोनों को देखकर बोलती हाय माशाल्लाह, कितनी सोनी जोड़ी है यार, कितनी सोनी जोड़ी है। कभी भाई बहन हो जाते हैं, कभी कुछ और हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं। भाई बहन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। माय लॉर्ड, पॉइंट आया अगेन। पॉइंट कौन सा है बताओ? भाई बहन नहीं हो सकते। भाई बहन नहीं हो सकते, आप बता दें। भाई बहन हो सकते हैं हम? नहीं देखे, हमारी भाई बहन वाली दोस्ती नहीं है ना, हमारी दोस्ती आगे चली गई है ना दोस्ती। हमारा थोड़ा मेंटल लेवल सेम है। मेंटल, लेकिन मसला ये कि मैं बहुत ज्यादा प्यारा हूँ, ये प्यारी नहीं है। ओह माय गॉड, बस ये खुशफहमी है इनकी, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी फिर हमारी दोस्ती खत्म भी हो जाएगी इंशाल्लाह। प्यार शुरू हो जाएगा ना? दोस्ती तब खत्म होती है, प्यार शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा दिल की बातें हो रही हैं। मैं थोड़ी, मैं तो इनको पहली दफा मिली हूँ, खैर कोई गल नहीं, ऐसे तो होता रहता है। आप बताओ लड़की में क्या देखती हैं? पहले लड़का देखा तो आपने उसके जूते देखे, उसकी गाड़ी देखी, देखती है ये परफ्यूम कौन सा यूज करती है, ये नाम से देखती है। क्या तुम लड़के के बेडरूम में टिपक जाती हो परफ्यूम लेने के लिए? पहले ये परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बाद में मैं लड़का को भूल जाऊंगी। नो नो, ऐसा नहीं है। लड़का आ रहा है, उधर खड़ा हुआ है, परफ्यूम कैसे देखूंगी? उसके शूज, उसकी ड्रेसिंग, उसकी पर्सनैलिटी। दैट्स इट। घड़ी? नहीं, घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, एक्सक्यूज मी, आप अपनी घड़ी पीछे रखें। जब लड़का पास से गुजरे तो उसका परफ्यूम ऐसा होना चाहिए, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब किसी का भी अच्छा हो तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगी? नहीं, पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। मतलब बुड्ढा बाबा कोई ग्रीन लगा दे, इतना लगा के चले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये पता है ये अट्रैक्टेड कैसी होती है? वो कार्टून में नहीं देखा है? सूखते चले जाते हैं आगे। इसी तरह अगर आपको नजर आए मदीहा उड़ती हुई हूँ आगे बंद, प्लीज मदीहा को रोके, क्योंकि उसको पता नहीं वो कहाँ जा रही है, वो बस नाक से चल रही है। नाक से जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है अगर वो पास से, ऑब्वियसली पास आके बात करे और बात ना की जाए, मैं इसलिए परफ्यूम का नाम ले रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लड़के को तीन चार, अगर कोई लड़का वहाँ खड़ा हुआ है आपको अटेंशन नहीं दे रहा, ठीक है, वो कैमरा आपके लड़का, मुझे चाहिए भी नहीं उसकी अटेंशन। फिर ऐसी लड़कियां सिंगल रह जाती हैं, फिर कहती हैं ए मुंडा खराब निकले, ऐसी आधे बीच थोड़ा खोड़ दिया। ये मैं इसको एक स्टोरी बता रही थी, उसने वहीं केची डाल दी। तुम अगर ठीक है, हाँ, कोई सिचुएशन दे रही है? सिचुएशन ऑफ कोर्स, सिचुएशन ही दे रही है। और क्या आपको क्या लगता है हमारे बेचारे मासूम कैमरामैन जी, वो समझिए आप उन पर लाइन मार रहे हैं। कैसे आप इनको देखकर आप चाहते हैं कि ये देखो ये आपको अटेंशन ही नहीं दे रही, फौरन फोन में चले गए, आपको इनका अटेंशन चाहिए, वो कैसे आप लेंगी? क्या हरकत करेंगी? हाथ लगाना अलाउड नहीं है, ये मैं बता दूं, अलहराम हाथ लगाने, नो नो नो। मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता। मैं फ्लर्ट नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता। फ्लर्ट करना आस पास जाऊंगी।
ये यार वो फ्लर्ट कैनाल दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी नेचुरल, वो तो एक वो कहीं पर भी आ जाती है, नहीं कहीं पर नहीं, उसके भी एटिकेट्स होते हैं। अभी इनको परफ्यूम पसंद था। मैंने कहा है एटिकेट्स होते हैं। चलो यार हम बातों पर तो जा रहे हैं, हम बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, नाम बताएं इनका। नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा लेकिन मैं जानती हूँ। कैसे जानती हो? आपके घर पर आए थे दूध देने? हाँ, नहीं नहीं यार, ये दूध देने वाले तो बिल्कुल नहीं है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। पता तो होगा ना कुछ इनके बारे में? इतना खास नहीं जानती, नाम मुझे पता था लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। नाम क्या, काम क्या है इनका? काम He's a singer, I guess. Really? Composer? Okay. लेकिन इन्होंने मैसेज जो है बहुत सही पॉजिटिव दिया। आपको पता है इनका नाम? नहीं। एक्चुअली बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि आप देखते हैं लोगों को, एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं आप, उनके काम से उनको ज्यादा आप जानते होते हैं। अल्लाह जी, नहीं ऐसा नहीं है कि जानते हैं। को दिमाग अता फरमा, आमीन। दो खूबसूरत खूबसूरत लोग जो बहुत ही अलग है और लिटरली अलग है, दुनिया उनको जोड़ी मानती है। वो जोड़ी दुश्मनी की भी हो सकती है, वो जोड़ी प्यार की भी हो सकती है, वो जोड़ी भगोड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो जोड़ी हो सकती है। एंड वी हैव मदीहा, और नाम था अपना एम जे। ऐसे नहीं, MJ हटा दो। नहीं, मैं बोल रही हूँ मेरी असल में जो थोड़ी छोटी सी पहचान है वो बनी इसी वजह से, तो मैं क्यों हटूं? क्या आप चांद पर चलते हो? मैंने आपको बताया था मैं चांद खोज लूँ। ये चांद पर चलने वाले इंसान, चांद पे धब्बा है। धब्बा तो होता है, हर किसी में होता है, नोबडी इज परफेक्ट। चांद में खड्डे भी होते हैं। आपके खड्डे? कितने खड्डे? मेरे में हाँ, यस। यार ये कहीं और चला गया। नहीं ऐसा, यार हम वापस आते हैं फैमिली शो। यार क्या बात है, मुझे बनी इतनी प्यारी लगती है, इतनी क्यूट है, शी इज सो क्यूट। लेकिन ये गाना वाकई सही बना हुआ है। क्यों? लड़की पागल है, पागल है, पागल है। मथीरा या कुछ कह रहे हैं लड़की? आप बताएं। मैं औरत हूँ, औरत लड़की है। नहीं नहीं, आई एम अ मदर, मैं बिल्कुल नहीं लड़की। लड़की इज अ वेरी इमेच्योर, लड़कियां बहुत अपना दिमाग है ना घुटनों में लेकर चल रही होती है, exactly. और दिल तो इससे भी नीचे होता है, exactly. कदमों में लेकर चल रही होती exactly. है, कहीं पर भी फड़ दो, कहीं पर भी फेंक दो। हाँ जी, तो आप लोग क्या कुत्ता बिल्ली चल रहा है अभी तक? अपनी तरफ से कौन कुत्ता है कौन बिल्ला है, कोई डिसाइड नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता आपने टॉम एंड जेरी देखे होंगे, उसमें टॉम एंड जेरी में टॉम जो है वो एक वो दिल फेंकता है जाता है और फिर लगता ये है। ये ज्यादातर है ना, ये बातें भी हो रही है लेकिन ये बार बार ये हाथ भी ना हो कर ये करीब होते जा रहे हैं। क्या करें, मैं हुसैन अल्लाह ताला ने कूट कूट के बढ़ा है भरा है, कूट कर पड़ा है। ये पहला बंदा है पड़ा है सीधा मुंह पर। क्या भरा है? कितना भरा है? बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा, 10 out of 10। यार कोई इलाज नहीं है? हाँ नहीं, हमने पता करा है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। करा नहीं, इट्स अ किया। करा भी एक वर्ड है। कड़ा वो होता है जो आपने पहना। मैंने करा कहा है? मुझे नहीं पता, तुम लोग लड़ाई करो, मैं तो सिर्फ देखूंगी। गो अहेड, आई डोंट माइंड। करा किया। Well, अगर तुम लोग को एक रोल दिया जाए, okay. ये आपकी बीवी है, okay. इसके अंदर की औरत जाग रही है ना, जागने दो बेचारे को, आने दो बेचारे की। मैं अच्छा शौहर नहीं बनती। हाँ, तो तुम क्या बॉयफ्रेंड बनोगी? शौहर नहीं, मैं अच्छी बीवी बन सकती हूँ। वो भी नहीं बन सकती। तुम दोनों बीवी आओ। नाइस, तुम दोनों बीवी आओ और तुम लोग का शौहर है ना वो अपने घर पर है और तुम अपने घर पर ही जाने वाली हो, लेकिन तुम लोग लड़ रहे हो, टाइम किसको मिलेगा पहले? ये मेरी सोच अच्छा, है एक भी हाँ? एक मर्द की दो बीवियां और क्या? ये मेरी सौतन है। डिसाइड कर लो कौन सौतन बनना चाहेगा। हम नहीं बता सकते। I don't mind. नहीं, हम दोनों एक दूसरे की सौतन है, आप ये कह रही हैं? तो यही कह रही हूं। और यार ये इसका साबुन स्लो है, एक्चुअली स्लो है। हाँ, 1 2 3 गो। रिया तुम्हें पता है जो मुझे ना अपने हस्बैंड पे शक हो रहा है, मुझे लग रहा है वो तीसरी भी लेके आ रहा है। मेरा हस्बैंड है वो, पहली बात तो ये है।
अपना हस्बैंड कहना बंद कर दो, तुम्हें पता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरा भी हस्बैंड है। हाँ तो सीधा करके बात किया करो, पता नहीं किस गंदे मुंह से शादी कर ली है उसने। जिस गंदे मुंह से उसने की है ना, उसी गंदे मुंह से मेरे से भी किया। आई समझ तुम? मेरा गंदा मुंह है, तुम्हारा भी गंदा मुंह हो गया। मेरा गंदा मुंह है, छोड़ो ना, हम उसको पकड़ते हैं। मुझे लग रहा है तीसरे बीवी की तरफ जा रहा है। वो कुछ भी नहीं करेगा, मैं चाहती हूँ बस तुम्हारे जैसे मुंह को छोड़ दे। इतना अजीब सा तरबूज जैसा शादी कर ली, बहुत सही नहीं। अपना मुंह देखा है कभी? बहुत हुसन है मेरे अंदर। हुसन है मेरे अंदर, तभी तो तुम्हें छोड़ के मेरे पे आया था। आज भी मुझे मैं उसकी पहली बीवी हूँ। ओ, दूसरी बीवी हूँ, तुम पहली हो। मैं उसकी पहली तीसरी बीवी हूँ। हाँ, इन्होंने घर जाके कहना आप मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है, मैं आती हूँ। रियल में शादी होगी कहीं, ये ना कह देना भाई जी। असल में इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लेंस लगाए हुए। मुझे ये बताओ, एक्सक्यूज मी, लेंस तो मैंने लगाया हुआ ही नहीं है। प्यारी आंखें, वो तो हैं बहुत। अब डूब जाओ, मैं कभी नहीं वापस आऊं। थोड़ी सी जरा हंसी मजाक से हटके एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बार, मैं इनको फॉलो करता हूँ, ऑब्वियसली इनको ही देख के हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। और जो हम टिकटॉकर्स हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, और इन्हीं के वीडियोस पे बनाते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं है इनके बगैर। तो मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे बहुत से एक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लेट डाउन करते हैं। अब वो मतलब बहुत उनके ट्वीट्स ऐसी होती हैं कि वो हम लोग बहुत डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन वो कुछ वीडियोस को देख के आपको एक बात बताऊं, वो एक कुछ ऐसी टिकटॉक्स है जो बंदा हैरान हो जाता है कि ये कौन सा सुस्त नशा करके। यही मैं कहना चाहता हूँ कि तो उसकी वजह से ये बात है, सारे की बात नहीं होती सबकी। देखो मुझे लगता है टिकटॉकर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली लोग बड़ा ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, इंटरनेशनली लोगों की पॉजिटिव में इतने स्टार्स बने हैं, इतनी पहचान, इतनी फैन फॉलोइंग, एंड आई थिंक हर चीज की ना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अब आपके ऊपर आप नेगेटिव इस्तेमाल करिए पॉजिटिव, तो कभी भी जो बंदा कुछ बोले, हम अफकोर्स बोल वाले लोग हम यही प्रमोट करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि कोई भी टिकटॉकर्स या इन लोगों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता जितना अब लेने लगे हैं। वरना एक जमाने तब बंदा ये बोलते थे टिकटॉकर वो छोड़ो, वो तुम 15 सेकंड के पता नहीं क्या के डायलॉग आते थे, मैं बोलती थी पता नहीं ये कौन से मनुष्यत वाले डायलॉग है। बट एट द सेम टाइम यू शुड नेवर लाइक यू नो, वो आपका एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका एक चैनल है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और चाहे कि जितना भी बड़ा स्टार होना, मुझे लगता है हम लोग सिर्फ स्टार बनते हैं क्योंकि हमारे अवाम हमें पसंद करते हैं। अगर हमारी अवाम हमसे प्यार नहीं करेगी तो हम स्टार ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास तुम हो इतना हिट क्यों हुआ था, कितने सारे लोग दानिश के लिए रोए थे, फिर बाद में दानिश के लिए मीम्स भी बनाए कि दानिश को कोरोना हो गया था, इसलिए बोला था मेरे पास मत आना। तो ये सारी चीजें, पर ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव होकर ही कुछ बनाना। जी, जी। तो एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। डोंट, मैं अपने शो में कभी भी जब कोई ये बोलता है, मैं बोलती हूँ सब एक जैसे नहीं होता है। exactly. लोग अलग अलग है, और हर बंदे को अगर कोई आपको ये बोल भी रहा है ना, उसको ब्रश अप कर लो, क्योंकि वो आपको पता है वो आपका प्लेटफॉर्म है। और इसी प्लेटफॉर्म के साथ आप बताओ, जिंदगी में अगर किसी के साथ रोमांटिक रोल करना चाहे और वो बंदा निकले एक बहुत ही बड़ा बैनर हो, और वो सामने आपके जो हीरो है वो है इमरान हाशमी। मैं पाकिस्तानी ड्रामा में भी कोई इस तरह का कैरेक्टर होगा तो मैं नहीं करूंगी। आप नहीं करेंगी? नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। किस तरह का कैरेक्टर करेंगी? मैं या तो मासूम लड़की वाला, या चलाक लड़की वाला, या नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल, इस तरह के जो नॉर्मल रोल्स होते हैं मैं आपसे वो कर सकती हूं। एक मिनट, इसने सारे रोल्स बोल दिए। नहीं, चलाक लड़की वो होती है जो, लेकिन ये बदले को मिसाल कर दिल पर करके चली जाती है, वो भी चलाक होती है। नहीं, नेगेटिव वो भी होती है एतराज में, जो प्रियंका चोपड़ा थी, तुम मेरे हो, ये सब करेगी लेकिन वो नहीं करेगी रोमांस और ये सारी चीजें। नहीं ना, रोमांस नहीं, नहीं। ओके, रोमांस नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने ये अजीब लगा, मुझे लग रहा था कि उन्होंने दरख्त पहली दफा देखे और दरख्त को महसूस करना चाह रही थी। तुम हो दरख्त इतने मजबूत? हाँ, वो यही मुझे लग रहा था। तुम्हारे ऊपर एक नाटी नाटी मुस्कुराती है, बड़ी नाटी है ये लड़की, बड़ी शातिर है। हाँ, आप तो फरियाद को एक कमेंट में क्या बोलेंगी इस वीडियो के बाद?
क्या किस तरह क्या बोलेंगी फरियाद के बारे में? हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, बताएं फरियाद के बारे में ये राय क्या है। मैं कहना चाहूंगी कि कंट्रोल कंट्रोल उधर कंट्रोल किस चीज का कंट्रोल? लाइक वो डांस ऐसे कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा उनको डांस वो उनका नाच इतनी जोर से आता है कहीं पर भी निकल जाता है, कहीं पर भी हर दरख्त पे निकल जाता है, हर दरख्त पे निकल जाता है। ये मैंने नहीं बोला, मैंने अभी नहीं बोला, मैंने कुछ और बोलना है, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोला आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा बड़ा जबरदस्त इन्होंने एक्ट किया लेकिन रुक जाओ, अपनी लड़ाई को रखो इधर पॉज। हम चेक करते हैं ये लोग होस्ट कैसे बनते हैं। अभी आप लोग को लेना है, क्या लेना है बताएं? छोटा सा ब्रेक, तुम वहाँ जाना, पूछ के आना, ये पूछ के रिस्टार्ट करके आना, ये सब कुछ करके आना। नहीं वो मैं वो एक से करूँ। हाँ? वो एक को ही रीस्टार्ट करूं। वो कौन है? बस वो मेरी दिल की रानी। उसने क्या किया कि रानी बनी? बस एक दफा आई कांटेक्ट किया था, उसकी आंखों से मैंने उसकी मासूमियत पकड़ ली। पकड़ ली आंखों से उसकी मासूमियत? कैसे पकड़ी? बस जब उसकी आंखों में मैंने एक बार देखा तो। और आंखें आप प्लीज ऑन एयर बता दें। बताओ ना, लव स्टोरी बना, कौन है वो लड़की? बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता आपकी? कौन बेस्ट फ्रेंड? आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है ना, वो लड़की आप को ही तो पता है। ये पता नहीं ये लोग ढके छुपे लफ्जों में क्या क्या बातें हो रही है। हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हम डूब सकते हैं, क्योंकि इन लोग का समंदर है ना बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। मतलब ये वो पागल समंदर है, बस चलता ही रहता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई फ्रेंड जोन हो जाए, तो ऐसे ही बजाना हानिया में। हानिया में मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे प्रोड्यूसर ये डायलॉग तो आसिम अजहर भी हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने वही किया, बेसिकली हानिया नहीं किया है ना, स्लो है, बहुत स्लो, बहुत स्लो है, इनका साबुन स्लो है। बहुत स्लो। क्या कह रही है तुम कुछ गाना गा रही? गाना गाए ये बोला ना, कोई है से स्टार्ट नहीं, कोई है से स्टार्ट, कोई है कोई नहीं है मेरी लाइफ में, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ला 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 ला। मुझे एक बड़ी अजीब सी लगी, तुम देना साथ मेरा और दिखी ओ हम नवा के मुझे देख भी नहीं रहा। ताना तुम दोगे ना क्या? दोस्त साथ दोगे मेरा? ये बोल रहा है। तुम क्या क्या देते रहते हो बताओ, क्या क्या देते हो, क्या क्या? कभी मुझसे कभी कहती है मुझे ये वाला टॉप लेके दो, कभी कहती है तो मुझे ये केस खिलाओ, कभी कहती है वो ये वो तो नहीं है। जरा इजी लुक करना तो 50 रुपए का एक दफा कहा था इन्होंने 50 का। अच्छा जब इन्होंने कोई चीज मांगनी होती है ऐसे कहती है ऐसा बात सुने वो एक काम था। सच सच बताएं आज तक आपसे क्या मांगा है? दिल। Oh my god, gidde! Oh my god, gidde! What is this? नहीं ऐसी मैं वैसे मजाक नहीं कर, oh I mean मजाक कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं, सीरियस कोई बात नहीं। हाँ हाँ वो नहीं। बस एक ऑफ स्क्रीन सारी चीजें टेबल के नीचे रहने दो, ऊपर नहीं आने दो। हाँ वरना बात बिगड़ जाती है। आपने एक डायलॉग मारा था दैट अगर मायरा नहीं मायरा अच्छा अगर आप बंदा होती तो आप मायरा पर फिदा होती, तो अभी आपने मायरा को देखा, शी इज परफॉर्मिंग, शी लुक्स वेरी नाइस लाइक ऑलवेज। निगाह जी वी लव यू, निगाह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर्स, जो बड़ी अच्छी तरह मतलब उनकी बस बॉडी में माशाल्लाह इतनी प्यारी लचक है, एंड ही इज जस्ट वंडरफुल, वी लव यू। खैर इस वीडियो पर आप क्या बोलेंगे, एक एडवाइस अगर आप मायरा को देना चाहें वो क्या होगी? मायरा ने बहुत परफेक्ट प्रैक्टिस की हुई थी डांस की और वो प्रैक्टिस कर रही थी। मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगी, इसमें मजीद कुछ एडिशन नहीं करना चाहूंगी, बहुत परफेक्ट है मायरा हर तरीके से, एक्टिंग के लिहाज से और ड्रेसिंग के लिहाज से, हर तरीके से मायरा बहुत ओके okay, अगर हम तीन एक्ट्रेसेस आपको बोले ठीक है, मायरा, सबा, महविश, सबा कमर, अब तीनों को नंबर वन कौन होगा? सबा कमर नंबर वन ओके
मायरा, उनकी जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, जो आजकल चल रही है, जो काफी लोग बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो शूट किया था, उसके बारे में आप राय लेंगी, उनके खिलाफ खड़ी रहेंगी, क्या आपकी सही है? उनकी लाइफ है और वो जो कर रही है उनको पता है वो अपने लिए क्या कर रही है, तो मैं इस बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है आप उनके साथ जो इन्होंने एक वीडियो बनाया, जाती जिंदगी में थोड़ी वो इन्होंने गाना बनाया है जो एक मस्जिद में इन्होंने शूट किया था, अब उसमें ये हो रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं कि इट्स ओके एंड दे शुड बी लाइक यू नो फॉरगिवन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगी, क्या उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं पता, बस ये पता है कि सिर्फ ये पता है मस्जिद में शूट किया है। जी जी जी, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ अगर वो जो कुछ सुनने में आया था कि वो कहते थे हमने म्यूजिक नहीं ऑन किया, हमने जस्ट वैसे शूट किया था, समहाउ उस हद तक ठीक है, लेकिन स्टिल वो जो उन्होंने पूरा स्टेप किया था, मस्जिद तो मस्जिद है, फिर मैं भी ऐसे बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारे वो क्या होते हैं महल है, बहुत सारी जगहें जहाँ ये वाली फील आ सकती थी, इन लोगों को वैसे आई थिंक पर्सनली मस्जिद में नहीं करना चाहिए, नहीं, निकाह एक अलग चीज होती है, निकाह इज अ प्रॉपर असली एंड प्योर रिलेशनशिप शुरुआत हो रही होती है दो जिंदगियों की, तो वो तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ उनको ब्लेसिंग मिले, तो निकाह एक अलग चीज होती है, लेकिन गाना और वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे दैट या वी लव बिलाल, वी लव सबा, एंड आई थिंक फॉरगिवनेस इज द बेस्ट आंसर। और इसी नोट के साथ हम आपको अल्लाह हाफिज बोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन लोग को अल्लाह हाफिज बोलेंगे, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, एक एक रुपए वाली बातें जल्दी जल्दी कर लो, एक एक रुपए वाली बातें यही है कि थैंक यू सो मच सारे फैंस को जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और ऐसी सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, और पॉजिटिविटी कोशिश करें हर चीज़ में देखें और पॉजिटिविटी ही फैलाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आर फैंस, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये जो भी शो में बातें हुई हैं ये सिर्फ एग्जैक्टली शो की हद तक रखिएगा। एंड वन लास्ट थिंग के आपने स्पेशली शो की, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो गेट वेल सून, आई रियली लाइक दिस गाय, उसने फाइनली मुझे थैंक यू बोला मतलब हमारे चैनल को मैं यही इंतजार कर रही थी, दोनों यार जो टिकटॉकर यहाँ बैठा उसने कभी नहीं बोला, दो ने बोला है बोल को शुक्रिया था, वरना सारे ना अपना मंजन गुजु 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 घिसकर खिसक जाते हैं। नहीं, नहीं, बोल का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों को यहाँ लाने में, बोल चैनल, थैंक यू आप लोग, बट कोई बात नहीं, वी लव दीज पीपल, आप लोग इन बच्चों को बहुत सारी चीजों में देखेंगे, ये लोग बहुत सारे गेम शोज और बहुत सारी चीजों में आएंगे, एंड इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करें, और क्योंकि हम नया पाकिस्तान तो नहीं बनाए लेकिन नया टैलेंट तो बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें घबराना नहीं है, घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि इमरान खान है, वो संभाल लेंगे। मैं अब इस बात पर बोलूंगी घबराना है, एंड अल्लाह हाफिज़।